दिन है हमारे लिए, ये ईद-ए-मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। इस दिन की मैं तमाम अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा मुतबरक दिन है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपसे पहले वहाँ के हालात बड़े नाजुक थे, और लिहाजा वहाँ पर ज़ुल्म व सितम, लड़ाइयाँ, झगड़े और फसादात थे, और लिहाजा जो कबीलों की लड़ाइयाँ थीं और जिंदा लड़की बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, जिसके घर बच्ची पैदा होती थी तो लिहाजा उसको बड़ा मतलब मायूब समझा जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया ये बहुत गुनाह है, और बच्चियों की हिफाजत की और लोगों को एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया और खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, और फिर दुनिया में अमन कायम हुआ, और फिर लोगों को ये दरस दिया, ये सबक दिया कि कोई भी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं है, किसी भी काले पर किसी गोरे को फजीलत नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं, और वो कर्म से जितने उसके बेहतर अमल होंगे, कर्म होंगे, इतना ही वो खुदा के यहाँ मुकद्दस है, उसका मकाम है, पोजीशन है। तो लिहाजा आपने ये तरस दिया अमन का, और भूखों को खाना खिलाने का हुक्म दिया, नंगों को कपड़ा पहनाने का हुक्म दिया। तो ये उस मुकद्दस हस्ती का जन्मदिन है जो हम मनाते हैं, पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है, और हमारा यहाँ पर जो है आज ये प्रोग्राम करते हैं, लोग यहाँ जमा होते हैं, हमारे आगे पीछे छोटी छोटी जितनी ब्रांचेज हैं, छोटे छोटे मदरसे हैं, हमारा यहाँ एक छोटा सा एक संस्था है, उसके अंडर जितने भी ब्रांचेज हैं छोटी छोटी उसकी, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ उनका डिबेट भी होती है, और फिर जो बच्चा अच्छी कारकर्दगी करता है उसको हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और आज का मैसेज ये है कि हम लोगों को ये दावत देते हैं कि आपस में अमन और भाईचारा जो है ये बेहतर तरीके से अपनी मोहब्बतों को बढ़ाएं और लोगों के साथ मोहब्बतों से पेश आएं, और जितने भी बुराइयां हैं उनको छोड़ें, क्योंकि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, और ये अमन का पैगाम है कि लेकर ये दिन आता है। तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, और इसमें अमन अमान और सलामती हम सबको नसीब, और हमारे इस खित्ते में जम्मू कश्मीर में भी अमन अमान और सलामती हो। सबसे पहले मैं आप सबको आज के दिन की इस मुबारक दिन की मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और उनके आने से जो है वो इस्लाम फैला। उससे पहले जो है वो इतना इस्लाम नहीं था, लोग जो थे वो इस्लाम की तरफ उनका रुझान नहीं था,
उन्होंने आका इस्लाम फैलाया और बुराइयों को कहा कि बुराई को दूर किया और अच्छाई को लाए, और उन्होंने तालीम दी कि नेक लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, प्यार करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के साथ नफरत मत करो। उन्होंने सब सिखाया हमें कि हमें आपको इस्लाम के रास्ते पर चलना है और अपने आप को जो है एक सेकुलर जो मुल्क है उसमें हम रह रहे हैं, हमें सेकुलरिज्म को भी काम रखना है। मैं लोगों को अपील करता हूं कि अपने बच्चों को ख्वाब हो किसी भी बरादरी के हैं, किसी भी कौम के हैं, एजुकेशन दिलाएं, तालीम दिलाएं। ये तालीम ही जो है ये नशे और बुराइयों से छुड़ा सकती है, और उनको बच्चों को ये पता लगे कि हमारे माँ पे आपकी क्या कदर होती है, हमारे माँ बाप क्या है। ये यही एक पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जो है वही समझ सकता है कि माँ बाप की क्या कदर है, माँ बाप क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं सारों सब लोगों को इस बात की आज मुबारक देता हूँ कि मुबारक दिन पर जो लोग हैं ये आपस में भाईचारा बनाए जाएँ, मोहब्बत और प्यार से रहें।